हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो ये जेल स्थित है अंडमान में। ये जेल अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और यह जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाई गई थी और यह जेल काला पानी के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था अवंती वर्मन ने और यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यह ओडिशा राज्य का एक तटवर्ती शहर है पुरी, वहाँ पर स्थित है और इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, और वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में और वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन हुआ था 1853 ईस्वी में और पहली रेलगाड़ी जो थी वो चली थी मुंबई और ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। इस पुरस्कार में 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है और सबसे पहले यह पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था और इस बार यह पुरस्कार देवेंद्र झाझड़िया और सरदार सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और वहाँ और इसे आजम शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन स्रावित करती है अग्नाशय और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है और कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इंसुलिन में जो धातु पाई जाती है वो है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी को पता होगा एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो 1965 में मलयालम लेखक श्री जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किस उद्योग को कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो लड़ाकू जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 में किस टीम को हराकर जीता? तो भारत ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एमके गांधी और ये बुक इन्होंने गुजराती में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसे विद्युत चुंबकीय को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किसने किया था? तो वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किया था जेसी बोस ने। जेसी बोस ने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। इसी डिवाइस से इन्होंने प्रूफ किया था कि पौधों में जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रवींद्रनाथ टैगोर, और इन्हें नोबल प्राइज़ इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बना है? तो जवाहर सागर बांध बना है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थे? तो कार्ल मार्क्स थे एक जर्मन चिंतक, और इन्होंने बहुत ही फेमस बुक दास कैपिटल लिखी है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ पूछ लिया जाता है कि दास कैपिटल किसने लिखी है, तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं 3 देशों के साथ, और ये 3 देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जिसके साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है? तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है अपोलो 11। इसी यान से नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को मून पर लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किनारे किनारों के रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं बैंगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? तो लाइफ डिवाइन लिखा गया है अरविंद घोष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास का मैदान स्थित है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, और इस समय उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा आमदनी किससे होती है? तो भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा आमदनी होती है माल भाड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा में, और सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड बोला जाता है में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? तो टाइफाइड में जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक ओजोन पाया जाता है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के नमक का रासायनिक नाम है? तो खाने के नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, और ये ग्रंथि मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्थित होती है, और भूख, प्यास, सोना, थकावट, ये सारी चीज़ें भी यहीं से नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ग्रीष्मकालीन
ओलंपिक 2020 आयोजित किए जाएंगे जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? तो ये पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुए? तो ओलंपिक खेल सबसे पहले हुए थे यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है वो है ब्रोमीन, और तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, और यह मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लेडी ऑफ लैंप से प्रसिद्ध हैं? तो लेडी ऑफ लैंप से प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस नाइटिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में, हेग नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है? तो नाबार्ड संबंधित है कृषि एवं ग्रामीण के विकास से, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, और इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का आशय है? तो ईवीएम का आशय है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबा कले बारा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग टीबी का कारण है? तो टीबी का जो कारण होता है वो है जीवाणु से होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।